अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपको मकई की रोटी और साथ साथ बनाना सिखाऊंगी। मकई की रोटी के लिए आज ये कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं। ये है चॉप हुआ प्याज, ये हरा धनिया, ये मूली कद्दूकश की हुई है, ये है मोंगरे और ये हरी मिर्च को का पेस्ट बनाया हुआ है। अच्छा सब, ये है मकई का आटा, इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, साथ ही हम हरा धनिया भी डाल देंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम इसमें मूली डालेंगे, साथ मोंगरे और ये हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम इसमें इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि मूली और प्याज अपना पानी छोड़ता है। अब हम इसमें ये देखें सूखा धनिया ये डालेंगे और हंसते जायका नमक डालेंगे, जैसे आप मतलब तेज़ खाते हैं तेज डालें, अगर लाइट खाते हैं तो लाइट डालें। उसके अलावा हम ज़रा सी लाल मिर्च भी डाल देंगे और खुशबू के लिए सूखी मेथी ज़रा सी, साथ हम एक स्पून घी का भी डाल देंगे। हम तो कश्मीर ही यूज़ करते हैं, आप जौन सा भी यूज़ करें उस मुताबिक आप डाल लें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें ये मतलब कि कुछ कुछ गीला आटा हो गया है। ये रेसिपी आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे, ये साथ ही गरम पानी हो रहा है, ये ऐसे करके ज़रा से डालेंगे, इसको मिक्स करते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ना डल जाए फिर वो आटा बहुत पतला हो जाएगा, रोटी हमारी मकई की बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। अब हम मिलते हैं, मैं जब तक आटा गूंद लेती हूँ उसके बाद हम मिलते हैं। अब हम इसको जैसे आटा गूंदते हैं कुछ देर के लिए वैसे गूंदेंगे। कुछ लोग इसमें गंदम का आटा भी और कुछ मैदा बेसन भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्योर आटे की बनाना सिखाऊंगी। ये अब आटा हमारा रेडी हो गया, चले अब मिलते हैं 2 मिनट बाद। ये हमने साग रखा है, इसमें मैंने बस ओनली ऑयल डाला, क्योंकि मकई में हमने काफ़ी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो ऐसे फिर इसमें इतने मतलब के खास नहीं लगेंगे, लेकिन इसको हम सिर्फ सिंपल ही रखेंगे, सिर्फ ऑयल अंदर डाला और इसकी हम भुनाई करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको साग की रेसिपी चाहिए तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको साग की रेसिपी भी दूंगी, क्योंकि हम किस तरह बनाते हैं, बनाते हैं तो सब लोग, लेकिन हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है। अब हमारा तवा बिल्कुल मतलब कि गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऑयल डाल के ज़रा घी डाल के चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल गर्म हो गया। हम सबसे पहले जैसे गंदम की रोटी बनाते हैं वैसे उसके लिए एक ऐसा बनाएंगे गोल सा, उसको देन हमने गीला सा कुछ भी ले लें, आप मतलब कि मलमल का ले लें या फिर जो भी आप डेली रूटीन में किचन में यूज़ करते हैं पोना जिसको कहते हैं वो ले लें, उसके ऊपर हमने रख के ऐसे कुक करना है। साइज आप जितना आपको मुनासिब लगे उतना बना लें। अब देखिए यूँ रोटी बन गई, अब इसको हम ऐसे हाथ पे ले लेंगे और ऐसे तवे पे डाल देंगे। एक साइड पे हमारी मकई की रोटी बन रही है और एक साइड पे हमारा साग बन रहा है। ऑयल को हम
साइड से भी डालेंगे क्योंकि तवा यूज होके दरमियान से ज़रा से ऊपर हो गया, इस साइड पर भी हम ऑयल डालेंगे। अभी एक साइड से कच्ची, जब एक साइड से पूरी बन जाएगी फिर हम इसकी चिमटे की हेल्प से इसकी साइड चेंज कर देंगे। अभी ये बन गई है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से बिल्कुल बन गया और ये देखिए बिल्कुल ईजीली इसकी साइड चेंज हो जाती है। अगर आप इसको वैसे अकेला भी खाएं या दाल के सालन के साथ भी खाएं तो बहुत टेस्टी लगेगी, या फिर चिकन के साथ भी आप खा सकते हैं इसको। लेकिन गाइस हमारा बिल्कुल साग तैयार हो गया। अभी ये दूसरी साइड बन जाए फिर हम अभी तरह सी ना कच्ची कच्ची साइड है तो इसको हम दोबारा पकाएंगे। ये देखें ये रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए मकई की रोटी रख दी हमने, ऊपर हम साग रखेंगे। और ये मक्खन के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इसलिए क्या हम ऊपर मक्खन जरा सा डालेंगे। ये देखिए लजीज और टेस्टी हमारी मकई की रोटी साग और मक्खन तैयार है।